हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनसाइड आयस डेली करंट अफेयर ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड जो करंट अफेयर था ट्वेंटी ऑफ सितंबर का उसका जो कंबिनेशन है वो ट्वेंटी फर्स्ट और नाइन्टीन सेप्टेंबर में ही कवर किया है इसने इनसाइट ने नोटिफाई किया था ठीक है सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टू फ्रॉम द मेन्न पॉइंट ऑफ व्यू देर आर फाइव टॉपिक्स एंड फ्रॉम द फ्रीलम्स पॉइंट ऑफ व्यू देर आर टू टॉपिक्स सो इफ यू आर न्यू इन अवर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम जी एस पेपर वन इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट अस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर टू द मॉडर्न टाइम सो द फर्स्ट न्यूज इजातिया डायनेस्टिकली न्यूज में क्यों था जो काकातिया टेम्पल था जो बिल्ड किया था बाई द काकातिया रूलर ठीक है गणपति देव देवा ठीक है गणपति देवा वो रूलर थे इन धारानी कोटा आंध्र प्रदेश में वो उसको जो है वो टेम्पल को कन्वर्ट किया गया है इंटू बोर्ड ऑफ अ लॉर्ड गॉडेस बाल भालू सुलमन ठीक है अबोर्ड मतलब बोल सकते कि रेसिडेंट या निवास में जो लॉर्ड गॉडेस है भानू सुलामन उसमें उसका कन्वर्ट किया तो अभी की पॉइंट देखे जाए तो जो प्रिसाइडिंग दी थी थी एट द थर्टीन सेंचुरी टेम्पल वॉज ककातिया देवी काकाती देवी थी उसकी मतलब प्रिसाइडिंग जो देती थी उस टेम्पल के ठीक है एंड जो गणपति देव देवा थे वो फर्स्ट किंगडम थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वर्कशिट वर्कशिप ऑफ काकाती देवी एंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश ठीक है कहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन द कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आउटसाइड द डोमेन ऑफ इस किंगडम अभी हम देखते हैं कि उसका आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस क्यों क्या है ठीक है तो ज, जैसे कि हम हाँ, आप जानते हैं कि यू में मोस्टली किसी भी टेम्पल आर्किटेक्चर का जो रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसीलिए ये जो डायनेस्टी का जो टेम्पल है तो उसका भी आर्किटेक्चर फीचर्स जाना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है तो अब देखते हैं कि आर्किटेक्चर फीचर्स क्या तो आर्किटेक्चर फीचर्स देखिए तो जो सीलिंग्स हैं उसका डेकोरेशन जो किया था वा द लोटस मेडोलियन ठीक है लोटस मेडोलियन से उसका जो डेकोरेशन किया था उसके साथ साथ जो वहाँ पे जो शिखर रहता है ठीक है हम जैसे जानते हैं कि, कि किसी भी टेंपल का एक शिखर रहता है शिखर मतलब टॉप पॉइंट जो था उसका प्रेजेंस नहीं था ठीक है वहाँ पे कोई भी इस आर्किटेक्चर में उस कोई भी शिखर का प्रेजेंस नहीं था और जो ये आर्किटेक्चर है वो पूरा काउंटर counter है काउंटर पार्ट है ऑफ अ श्रीन ठीक है ऑफ अ श्रीन ऑफ अ हम हमान కండా అండ్ వారంగల్ ఫోర్ట్ జత ఫేమస్ साइट है ठीक है तो ये तो जो प्लेस है प्लेसेस है उसका सिर्फ उसका जो आर्किटेक्चर है इस काकातिया जो देवी का जो टेंपल है उससे बहुत ज़्यादा काउंटर पार्ट है ठीक है तो मतलब काउंटर है ठीक है अभी इस डायनेस्टी के बारे में जानते हैं तो ये डायनेस्टी का इमर्जन हुआ था ट्वेल्थ एंड थर्टीन सेंचुरी एंड वो फर्स थे फर्स्ट फेडिटेरी थे ऑफ अ वेस्टर्न चालुक्य ऑफ अ कल्याण ठीक है जो वेस्टर्न चालुक्य थे उनके फर्स्ट फेडिटेरी थे ऑफ अ कल्याण एंड उनका रूल जो था स्मॉलर टेरेटरी ऑफ ते वारंगल ठीक है एंड ये डायनेस्टी पावरफुल लीडर्स कौन थे उस टाइम पे गणपति देवा एंड रुद्रमा देवी उनके जो इस डायनेस्टी के जो पावरफुल रूलर थे गणपति देवा और रुद्रमा देवी अभी जो प्रताप प्रताप रुद्र फर्स्ट जो थे उनको बुलाते थे ककातिया रुद्रा देवी बुलाते थे एंड ही वॉज द सन ऑफ अ ककातिया लीडर पोरोला सेकेंड ठीक है एंड ये जो काकातिया डाइनेस्टी है उन्होंने डिक्लेयर किया सॉवरनिटी इन हिज रूल एंड उनका जो रूल था uh, ऑफ़ द किंगडम अंटिल वन वन नाइन फाइव ए डी तक ठीक है एंड जो प्रताप रुद्र थे फर्स्ट उनके रूल में उन्होंने क्या किया था कि तेलुगू लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन का जो था उन्होंने स्टार्टअप किया था और उसके साथ साथ जो बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वारंगल ठीक है वारंगल उस uh, द डाइनेस्टी की कैपिटल इस्टेब्लिश होने के पहले हमान कुंडा जो था वो फर्स्ट कैपिटल था काकातिया का ठीक है अभी उस टाइम पे क्या था काफ़ी सारे जो न, न, जो विजिटर्स वीज़, थे ठीक है बाकी कंट्रीज के वो इंडिया में आते थे तो जो काकातिया किंगडम था उस टाइम पे इटालियन एक ट्रैवलर था ठीक है मारको पोलो वो वहाँ पर विजिट किया था ड्यूरिंग द रुद्रामा देवी टेन्ययर के टाइम पे तो उन्हें नोट डाउन किया था कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कैसी है बाकी सब स्टाइल उस किंगडम की कैसी है और उन्होंने काफ़ी सारा एडमायर किया था उनकी डायनेस्टी को अभी आर्क एंड आर्किटेक्चर देखते हैं द आइकोनिक ककातिया थोरमा थोरनम ठीक है मैं इसका फोटो दिखाती हूँ ककातिया थोरम जस्ट अ मिनट ठीक है ये है ककातिया थोरनम तो ये हम बोल सकते हैं गेटवे का डिजाइन है ठीक है जो ककातिया थोरनम है ये बहुत देख हम देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है एंड जो काकातिया थोरम है ठीक है तो इसका जो आर्किटेक्चर है मोस्टली डिसेंबल करता है काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ हैं इन द सांची जो सांची का स्तूप है उससे ठीक है और इसका जो कंस्ट्रक्शन किया था बाय द रुद्रमा देवी के जो फादर थे उन्होंने ट्वेल्थ सेंचुरी में उसका कंस्ट्रक्शन किया था द सीन ऑफ अ पलहाल लेक इन द वारंगल वॉज बिल्ड बाय द गणपति देवा एंड द थाउजेंड पिलर्स टेम्पल इन वारंगल वॉज बिल्ड डूरिंग द काकातिया रूलर जो थाउजेंड पिलर्स uh, का जो टेम्पल है वारंगल में वो उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो बिल किया था बाय द काकाता काकातिया रूलर ठीक है और जो दो मोस्ट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि जो कोहिनूर आ, कोहिनूर होता है डायमंड जो फाउंड हुआ था ठीक है वो ज्वेल जो, जो फाउंड हुआ था सेट इन द ब्रिटिश क्राउन वाज माइंड एंड फर्स्ट ओन बाय द काकातिया डायनेस्टी ठीक है तो फर्स्ट ओन भी किया था और फर्स्ट माइंड भी गया था बाय द काकातिया डायनेस्टी ठीक है कोहिनूर डायमंड्स हम देख सकते हैं इस फिगर में ठीक है उस टाइम पे डायनेस्टी कैसे थी तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी और यहाँ पे जो पार्ट है आंध्र प्रदेश रीजन हम जैसे देखते हैं तो उस पार्ट में थी ककतिया डायनेस्टी अभी देखते हैं सोसाइटियल क्या था फीचर्स इस डायनेस्टी का तो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम ज़्यादा रेजिड नहीं थी एंड uh, उसके साथ साथ जो जो uh, पीपल्स का प्रोफेशन था ठीक है वो बर्थ से रिकोगनाइज नहीं किए कर रहे थे ठीक है तो ये सम ऑफ द इट वॉज अ वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं ठीक है और जो काकातिया डायनेस्टी है उसका फाइनली एंड कब हो गया वन थ्री टू थ्री एडी में ठीक है एंड वेन द फारंगल वॉज कॉन्कर्ड बाय द गियाना सुद्धि शुद्धीन तकलक तुकलक ठीक है इनने कैप्चर कर दिया और देन बाय द सल्तनत ऑफ दिल्ली ठीक है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन हुआ था तो दिल्ली सल्तनत ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम काकातिया डायनेस्टी को भी अपने आ, मतलब उनके अपने रूल में कैप्चर कर दिया उसके बाद देखते हैं कि जी एस टू पेपर से फ्रॉम द टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ अ वेरियस कंस्टिट्यूशनल पोस्ट पावर फंक्शन एंड रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ अ वेरियस कंस्टिट्यूशनल बॉडीज एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन तो हम जैसे जानते हैं कि रिसेंटली जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू उन्होंने रिजेक्ट किया है द तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया था ओपोजिशन पा अपोजिशन ने अगेंस्ट द डिप्टी चेयरमैन जो है ठीक है हरिवंश ठीक है उनके जो डिप्टी चेयरमैन हैं ठीक है राज्यसभा के तो उनको उनके अगेंस्ट में जो अपोजिशन है उन्होंने आ, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये किया था ठीक है जिसके वजह से जो अभी जो राज्यसभा के एक्चुअल अच्छा जो चेयरमैन है ठीक है उन्होंने ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ठीक है अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेन द डेप्यूटी चेयरमैन जो है ये फर्स्ट टाइम इन द पार्लियामेंट हुआ है ठीक है एंड द कन्वेंशन इज दैट द मिस्टर सिंह शुड नॉट प्रिसाइड ओवर हिज हाउस सेशन टिल द मैटर इज सेटल ठीक है जब तक मैटर सेटल नहीं हो जाता तब तक उनको वो जो चेयरमैन है उनको अपनी मतलब जो uh, हाउस की प्रोसीडिंग होती है वहाँ पे वो नहीं बैठ सकते वो ऐसा बोला है ठीक है अभी इशू क्या है इशू है ऐसा है कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने अक्यूज किया है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है उन्होंने काफ़ी वॉयेशन किया है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का ठीक है वाइल द पासिंग ऑफ अ फार्मर सेक्टर बिल जो फार्मर सेक्टर बिल जो पास हो रहा था उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी सारी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है ठीक है वाइल डिस्कसिंग द बिल वो उन्होंने वॉयन किया ठीक है एंड उसके साथ साथ उन्होंने जो जो डिमांड होती है वोटिंग के टाइम पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं Uh, मतलब वहां पे कुछ uh, मतलब उन्होंने अच्छे से uh, जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया ठीक है दे ऑल्सो सी दैट द डिप्यूटी चेयरमैन डो नॉट अलाउ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर टू बी रेज एंड डिड नॉट अलाउ द लार्ज मेंबर ऑफ अ जो नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम डायवर्स पोलिटिकल पार्टी टू स्पीक इवन स्पीक अगेनेस्ट फ्रेम बिल ठीक है जो uh, uh, जो बिल था ठीक है तो उसके आ, उस टाइम पे बिल का जब डिस्कशन हो रहा था तो जो अपोजिशन पार्टी के जो बाकी जो मेंबर्स थे उनको उन्होंने जो डिप्टी चेयरमैन थे ठीक है चेयरमैन उन्होंने डिस्कस नहीं करने दिया ठीक है उन्होंने उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नहीं रखने दिया ऐसा आ, जो है उनके ऊपर मतलब उनको उनके ऊपर ये आ, जो केस है वो आ, ये हुआ है ठीक है मतलब जो जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने उनको इस तरीके से अक्यूज किया है ठीक है अभी डेप्यूटी चेयरमैन को होता है जब राज्यसभा सिलेक्ट करते हैं डेपूटी चेयरमैन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ चेयरमैन जब चेयरमैन uh, की पोस्ट में वैकेंसी होती है इन द ऑफिस और वेन द वाइस प्रेसिडेंट इज़ एक्टिंग एज और चार्जिंग द फंक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट ठीक है और जब जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज uh, और डिस्चार्ज होता है एज द फंक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट मोर अभी देखते हैं कि उनका रिमूवल कैसा है उनका अगर रिमूवल देखा जाए तो जब रिजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा में एंड मूव आफ्टर द फोर्टीन डे नोटिस दिया जाता है ऑन द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन एंड पास अ अगर वो जो रिजोल्यूशन है वो अगर मेजोरिटी पास हो गया देन ही इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज आर राइजिंग आउट ऑफ दियर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन देन द फर्स्ट न्यूज इज़ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी ट्वेंटी तो कंटेक्स ऐसा है कि ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में ठीक है एंड इट सिक्स द सिग्निफिकेंट चेंज करने वाले है किस एक्ट में फ़ॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट ठीक है तो मेन है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट में चेंजेस लाने के लिए ये बिल लाया गया है अभी प्रोपोज अमेंडमेंट क्या है इस बिल के प्रपोज अमेंडमेंट में ऐसा है कि ये प्रोहिबिट करता है पब्लिक सर्वेंट को कि टू रिसीव एनी पब्लिक फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिट करता है पब्लिक सर्वेंट को टू रिसीव एनी जो फॉरन फंडिंग है उसके साथ साथ ये इट प्रपोज करता है कि ये रिड्यूस करेगा जो फॉरेन फंड्स मिलते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए ऑफ एन एनजीओ ठीक है जो एनजीओ को मिलता है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए जो फॉरेन फंड मिलते हैं उसको 50 परसेंट टू 20 परसेंट में डिक्रीज करने का भी प्रोविजन है इस बिल में उसके साथ साथ ये प्रोहिबिट करता है एनी ट्रांसफर ऑफ अ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एसोसिएशन पर्सन एसोसिएशन और अ पर्सन ये कहीं मतलब जो पूरे तरीके से प्रोहिबिट करता है कि जो भी ट्रांसफर होता है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है होता है फॉरन कंट्री जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन को या किसी पर्सन को ठीक है इट प्रपोज टू हैव अ आधार कार्ड अ मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द ऑफिस बियर डायरेक्टर और अदर की फंक्शनरीज ऑफ एन जी और एसोसिएशन एलिजिबल टू रिसीव द फॉरन डोनेशन ठीक है इसमें भी प्रोपिजन ऐसा है कि जो भी पर्सन को जो फॉरन डोनेशन मिल रहा है ठीक है जो भी एन जी ओ हो या जो एसोसिएशन हो ठीक है तो उनको जो आधार कार्ड जो है एक प्रॉपर मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नेसेसरी है ठीक है अभी ये जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है तो इसके जो प्रोविज़न जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है वो देखते हैं कि ये बिल जो है इट विल अलाउ द सेंटर गवर्नमेंट टू होल्ड अ समरी इंक्वायरी टू द डायरेक्ट बॉडी विथ एफ सी आर ए अप्रूवल ठीक है जो एफ सी आर ए है ठीक है उनके अप्रूवल से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो होल्ड कर सकते हैं एक इंक्वायरी ठीक है किसके लिए इंक्वायरी टू टू सी दैट uh, मतलब जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका जो प्रॉपर यूटिलाइज हुआ है कि नहीं क्या अंडर अन यूटिलाइज रहा है ठीक है इस uh, सारे के लिए एक, मतलब वो डायरेक्ट कर सकते हैं बॉडी को विद द एफ सी आर एफ के अप्रूवल से ठीक है इंक्वायरी के लिए हम रख सकते हैं ठीक है

फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दियर एडमिनिस्ट्रेटिशन जो वो कॉस्ट यूज़ करते थे फॉरेन फंड से तो वो कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट होगा ठीक है अभी मेन क्रिटिसिज्म देखे जाए तो क्या है तो बिल हैज़ इन्हांस द गवर्नमेंट पावर एंड रेस्टिक द फॉरन फंडेड सिविल सोसाइटी वर्क इन द इंडिया ठीक है ये ये बिल देखे जैसे हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इंक्वायरी विद अप्रूवल और एफ सी आर ए की अप्रूवल से इंक्वायरी सेटअप से कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है उसको इन्हांस कर रही है और रेस्टिक कर रही है फॉरेन फंड को कहाँ पे सिविल सोसाइटी वर्क इन इंडिया ठीक है इट कैन यूज़ एज अ मींस टू टारगेट दोज हु स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आ, ये जो है मोस्टली ये जो बिल है वो बोल सकते हैं कि इट इज़ समवेयर टारगेटिंग द पर्सन हु स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इट विल कर्टल द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ बिजनेस में वो मतलब आड़ा ला सकती है ठीक है बट वाई दिस अमेंडमेंट आर नेसेसरी तो ये अमेंडमेंट क्यों की जा रही है क्यों नेसेसरी है तो इन अमेंडमेंट नेसेसरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेंगी एक्स एक्ट को बिकॉज जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो मिस यूटिलाइज करते हैं या मिस मिसअप्रोप्रिएशन करते हैं जो फंड्स उनको मिलते हैं ठीक है थीके? पास्ट में अगर डाटा देखा जाए तो मोर देन नाइनटीन थाउजेंड सच रजिस्टरी इन द पास्ट विच आर मतलब जो गवर्नमेंट है ठीक है मतलब uh, जो फंडिंग है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं या मिस एप्रोप्रिएट है टू द फंड्स ठीक है funds, और जो एनुअल इनफ्लो होता है ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज ऑलमोस्ट डबल हुआ है ठीक है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है होता है वो डबल हुआ है फ्रॉम द ईयर ऑफ नाइन मतलब 2010 टू 2019 बट मेनी रिसिपटन ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज नॉट यूटिलाइज द सेम फॉर द पर्पज़ फॉर विच दे हैव रजिस्टर ठीक है जो तो जो फॉरिन कॉन्ट्रीब्यूशन इनको मिलता है तो उन्होंने जिस पर्पज़ के लिए वो रजिस्टर्ड किया था या जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने ग्रांट या परमिशन ली थी वो उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे ये भी दिखाई दे रहा है ठीक है उसके बाद और है कि क्रिमिनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट डजन ऑफ सच नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एन जी ओ विच इंगल्ड इन आउटरीच मिस अप्रोप्रिएशन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मतलब सेटअप होना चाहिए ऑल्सो टू इनिशिएट कि जो डजन ऑफ एन जी ओज हैं जो अपनी वर्क जो है या जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे या मिस अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ अ फंड्स तो उनके लिए जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी इनिशिएटेड ठीक है तो ये जो है इस ये तीन पॉइंट्स हम बोल सकते हैं जिसके वजह से ये जो बिल लाना है वो नेसेसरी हो गया ठीक है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट लेट्स विद द नेक्स्ट न्यूज़ द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द टॉपिक वॉट इज़ द यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन ठीक है तो यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में देखते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने आ, लोन मतलब दिया है टू द इंडिया टू कब द पैंडमिक और वो लोन कितने हैं वन बिलियन का

एम एस एम एस पॉलिसी हो उनको ठीक है और कुछ भी सेंटर जो बेनिफिट्स देता है ठीक है सर्टन बेनिफिट्स टू द स्टार्टअप्स ठीक है शल नॉट बी अप्लीकेबल ऑन परचेज मेड वाइल इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल पॉलिसी ठीक है तो इन सबको मतलब इट शुल नॉट बी अप्लाइड ऑन परचेसिंग परचेस इज मेड बाई इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोजेक्ट ठीक है तो इसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल कंडीशन ठीक है ये यूनिवर्सल कंडीशन सेटिसफाई होने के बाद, बाद जब इंडिया को वो जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन देंगे ठीक है अदर कंडीशन सेट क्या किए हैं वर्ल्ड बैंक ने तो वर्ल्ड बैंक ने सेट uh, किए है कि दे हैव राइट टू रिव्यू ठीक है वर्ल्ड बैंक है रिव्यू कर सकता है प्रोक्रीमेंट के डॉक्यूमेंट हो या ऑडिट रिलेटेड टू ऑल दैट जो लोन है उसके रिलेटेड या रिकॉर्ड्स हो या अदर फाइल रिलेटेड टू तो द प्रोजेक्ट को जो है वर्ल्ड बैंक असिस्ट करेगा ठीक है कंप्लाइज टू दिस कंडीशन हैज़ बीन मेड मैडेटरी फॉर द फंडिंग ठीक है ये जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है फॉर द फंडिंग पर्पज अभी बैकग्राउंड देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है वन बिलियन यूएस डॉलर ठीक है टू एड द इंडिया टू एसेब्रेट द इंडियन कोविड नाइन्टीन स्पेशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम ठीक है तो कोविड नाइन्टीन का जो स्पेशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम है उसको एड uh, किया है ठीक है इंडिया को मतलब जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने अप्रूव किया है ठीक है ओवर आउट ऑफ द वन बिलियन ठीक है वन बिलियन जो है वो काफ़ी सारे अलग अलग जो एसोसिएशन हैं ठीक है थीके? उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो कौन से कौन से है तो फ्रॉम वन बिलियन अराउंड फाइव हंड जो मिलियन यू डॉलर है वो क्रेडिट किया है बाय आई आई डी ए ठीक है आई डी आई क्या है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड टू टू जीरो मिलियन जो है उन्होंने किसने दिया है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट उनके थ्रू दिया है और ये जो बिल रहेगा ठीक है सॉरी ये जो अमाउंट रहेगा लोन का वो एटीन पॉइंट फाइव ईयर तक ठीक है उसकी फाइनल मेच्योरिटी रहेगी ठीक है एंड जो इट विल इंक्लूड अ ग्रैंड पीरियड ऑफ अ फाइव ईयर ठीक है इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्प्यूट ठीक है तो वर्ल्ड बैंक क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट वन इज द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ठीक है तो uh, रिसेंटली क्या हुआ है जो इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया की उन्होंने कंप्लीट किया है एक साल कहाँ पे द चेयरमैनशिप ऑफ़ एसोसिएशन ऑफ अ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ में ठीक है तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने वन ईयर कंप्लीट किया है चेयरमैनशिप कहाँ पे एसोसिएशन ऑफ अ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ ठीक है अभी एसोसिएशन ऑफ़ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ क्या होता है ठीक है इसके बारे में जानते हैं तो ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है ऑफ अ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी वर्ल्ड वाइड ठीक है वर्ल्ड वाइड में एक सबसे बड़ी एसोसिएशन है जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी को Uh, मतलब बॉडी रिलेटेड एसोसिएशन है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था फोर्थ फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एंड थर्टीन इन सोंगडो साउथ कोरिया में ठीक है साउथ कोरिया में और परमानेंट सेक्रेटरी वो भी सियोल में है ठीक uh, है सियोल साउथ कोरिया का कैपिटल है ओके जितना मुझे याद है कैपिटल एक बार देख लीजिए मुझे कंफर्म याद अच्छे से क्लियर याद नहीं आ रहा पर जितना मुझे पता है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सियोल उसका साउथ कोरिया का कैपिटल है ठीक है द एम टू फॉस्टर द इफिशियंसिस एंड इफेक्टिवनेस इज़ कंडक्टेड फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शन वर्ल्ड वाइड ठीक है तो इसका मेन क्या एम है कि वो फॉस्टर करे एक प्रॉपर इफिशियंट एंड इफेक्टिवनेस जो इलेक्शन uh, रिलेटेड uh, जो भी प्रोसेस होती है उसको ठीक है फ्री एंड ट्रांसपेरेंट रहे उसके साथ पार्टिसिपेटिव इलेक्शन हो वर्ल्ड वाइड इसका कंपोजिशन कितना है वन वन फाइव मेंबर्स है उसके ठीक है एंड सिक्सटीन रीजनल एसोसिएशन है एज एसोसिएटेड मेम्बर्स और फैक्ट फ्रॉम फिल्म से न्यूज़ है चेंदामा गलम साड़ी के बारे में ठीक है तो ये जो साड़ी है वो मोस्टली वर्क किया जाता है इन द केरला ठीक है केरला में है विच ब्रिंग इन द जी आई टैक ठीक है जी आई टैक मतलब ज्यो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ठीक है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है इसके बारे में ये कब कब से स्टार्ट हुआ तक और सबसे पहले जी आई टैक किस किस प्रोडक्ट को दिया था इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ठीक है की फैक्ट देखा जाए तो चेंदागालम जो है इट इज़ अ स्मॉल टाउन है नियर रानकम uh, uh, जो प्लेस है ठीक है वहाँ पे जहाँ पे तीन uh, मतलब जो रिवर्स है उसका क्रॉस रोड होता है ठीक है दैट हैज अ क्रॉस रोड ऑफ अ थ्री रिवर्स एंड द टाउन वॉज अ पार्ट ऑफ अ एनशियन पोर्ट ठीक है ये टाउन जो है वो एनशियन पोर्ट का भी पार्ट रहे है, जो, जो है कॉम्प्लेक्स ऑफ मुजही एंड नोन फॉर इट्स फाइन कॉटन स्पम स्वन वेयर हियर बाय द देवंगा चित्तरिया ठीक है थीके? वो कॉटन भी वहाँ के जो है उसके लिए भी वो फेमस है ठीक है वो जी आई इस साड़ी को मिल गया है ठीक है अभी देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सितंबर एंड द मेन एम इज की डिक्लेयर uh, किया जाता है तो स्ट्रेंथन द आइडल ऑफ आर स्पीच थ्रू द ऑब्जर्विंग ट्वेंटी फोर हावर्स ऑफ अ नॉन वायलेंस एंड अ सीज़ फायर ठीक है तो स्ट्रेंथिनिंग दइडिया है स्पीस की और ऑब्जर्व किया जाता है ट्वेंटी फोर हॉर्स ऑफ अ नॉन वायलेंस एंड द सीज़ फायर एंड लॉन्ग विद ये किसको कौन डिकले, डिक्लेयर करता है वो डिक्लेयर करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस साल की थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर एंड रिगार्डिंग द बैकग्राउंड जो इंटरनेशनल पीस डे है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन ईयर नाइनटीन एटी वन एंड टू डिकेट लेटर इन टू थाउजेंड एंड वन ठीक है जो जनरल असेंबली है उन्होंने अनएनोमसली वोटेड किया था टू डि डेजिग्नेट द डेट एज पर पीरियड ऑफ अ नॉन वायलेंस एंड द सीज़ फायर ठीक है टू थाउजेंड में उन्होंने डेजिगनेट किया था वोट किया था और डेजिगनेट किया था उस डेट को एज अ पीरियड ऑफ नॉन वायलेंस एंड द सीज़ फायर एंड इन दिस वे वी हैड कंक्लूड ऑल द न्यूज़ एंड वी हैव कंप्लीटेड द न्यूज़ सेक्शन टूडे आई होप वी आर आर डूइंग वेल एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड किप प्लानिंग किप स्टडिंग And have a nice day. Thank you.